देश में आज कोरोना टीकाकरण की शुरुआत हुई है। पहले दिन दिल्ली के 81 सेंटर पर इसके लिए व्यवस्था की गई थी। दिल्ली के हर सेंटर पर पहले दिन 100 हेल्थ केयर वर्कर्स को टीका लगाया जाना था। राजीव गांधी के डॉक्टर से टीकाकरण का डाटा के लिए बात की और उन्होंने जानकारी दी कि टीकाकरण प्रोग्राम काफी अच्छे से हुआ। हमारे पास 100 लोगों का रजिस्ट्रेशन किया गया था, पर उसमें से सिर्फ 45 लोगों ने ही वैक्सीन लगवाई। टीकाकरण कार्यक्रम के दौरान 45 हेल्थ केयर वर्कर्स में इसका कोई रिएक्शन नहीं देखा गया। वह पूरी तरह स्वस्थ है, वह अपने घर पर ठीक ठीक है। अब इस टीकाकरण से कोरोना से जल्द राहत मिलेगी। हमारा जो पहला दिन वैक्सीनेशन का 16 जनवरी 2020 जो धरती का सबसे बड़ा आज तक का वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, ये वैक्सीनेशन ड्राइव शुरू हुई। हमारे पहले दिन का एक्सपीरियंस नॉट गुड नॉट बैड, सो ठीक ठीक रहा। हमारे को 100 बेनिफिशियरीज का लिस्ट मिला था, उनमें से 45 बेनिफिशियरी हमारे पास आए। हम लोगों ने 45 लोगों को वैक्सीनेट किया। इसके लिए हमारे को 2 दिन पहले ये लिस्ट मिल गई थी। हमने सभी बेनिफिशियरीज को फोन से SMS से इन्फॉर्म किया, उनके लिए काउंसिलिंग सेशन भी शुरू किए और हम लोगों ने उनका 1 दिन पहले 15 तारीख को काउंसिलिंग सेशंस भी किए हैं। इस वैक्सीनेशन प्रोग्राम में एज सच कोई भी AEFI एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन ऐसा कोई भी नहीं हुआ। सभी लोग बिल्कुल ठीक ठाक तरीके से घर गए और सिर्फ अगर संख्या को छोड़े तो ये बहुत ही सक्सेसफुल था, एनकरेजिंग है और हमें उम्मीद है कि अब ये धीरे धीरे और बढ़ता चला जाएगा और हम लोग इस COVID-19 जो बीमारी है, जो महामारी है, इससे जल्दी निजात पाएंगे और जल्दी हमारे को हर्ड इम्यूनिटी मिलेगी। टॉप स्टोरी ब्यूरो के लिए दिल्ली से रवि डालमिया की रिपोर्ट।